जैसे हर देश की अपनी एक खासियत होती है और उसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग आते हैं, उसी तरह यूरोप के इस खूबसूरत देश को देखने के लिए हर साल लाखों करोड़ों लोग आते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और जानेंगे नीदरलैंड देश के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, और ये भी जानेंगे कि नीदरलैंड कैसे बना वेश्यावृत्ति का देश। तो चलिए जानते हैं। नीदरलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत देशों में आता है और इसकी राजधानी एम्स्टरडैम है। डच शब्द का उपयोग नीदरलैंड के लोगों को और वहाँ की भाषा को कहा जाता है। नीदरलैंड में इंग्लिश से ज़्यादा डच भाषा बोली जाती है और डच ही इनकी नेशनल लैंग्वेज है। नीदरलैंड की पॉपुलेशन लगभग 1,70,00,000 से ज़्यादा है और इससे ये यूरोप का 10वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। नीदरलैंड के लोग साइकिल बहुत ही ज़्यादा चलाते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति के पास एक साइकिल तो ज़रूर होती है। यहाँ के लोगों की हाइट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पुरुषों की एवरेज हाइट 5 फीट 11 इंच होती है और औरतों की हाइट 5 फीट 9 इंच। नीदरलैंड के लोग जब भी एक दूसरे को मिलते हैं तब एक दूसरे के गाल पर 3 बार किस करते हैं। ऐसा ही रिवाज स्विट्जरलैंड और बेल्जियम में भी है। दोस्तों आपको बता दूं, पनीर की खोज नीदरलैंड में ही हुई थी। नीदरलैंड में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, पर शर्त यह है कि वेश्यावृत्ति में जुड़ने वाली महिलाओं की उम्र 18 साल से या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आने वाले ग्राहक यानी लड़कों की उम्र 16 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये व्यापार लीगल होने की वजह से नीदरलैंड में 1,00,000 से ज़्यादा लड़कियाँ ये व्यापार कर रही है, और तो इस देश को वेश्याओं का देश भी कहा जाता है। नीदरलैंड में 6,000 से ज़्यादा वेश्यालय है और 1,000 से ज़्यादा तो इसकी राजधानी एम्स्टरडैम शहर में ही है, इसलिए एम्स्टरडैम शहर रेड लाइट एरिया में नंबर 1 पर आता है और इसकी वजह से यहाँ लाखों लोग एम्स्टरडैम आते हैं। यहाँ के रेड लाइट एरिया में घूमने के दौरान आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ लड़कियाँ एक कांच के विंडो के पीछे से लड़कों को इशारे करके बुलाती है, और यहाँ ये व्यापार लीगल होने की वजह से इसे वेश्याओं का देश भी कहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे कम क्राइम रेट नीदरलैंड में होता है और नीदरलैंड्स को दुनिया का सबसे सेफ कंट्री भी माना जाता है। यहाँ पर क्राइम रेट 1% से भी कम है और इसकी वजह से ही नीदरलैंड्स के 8 जेलों को बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ कैदियों की कमी थी। यहाँ के केवल 3% लोग ही खेती बाड़ी करते हैं। नीदरलैंड्स का राष्ट्रीय गान सबसे पुराना है, ये साल 1568 में लिखा गया था, पर इसे आधिकारिक मान्यता साल 1932 में मिली थी। नीदरलैंड का झंडा भी 1572 का है, जो 3 रंगों वाला सबसे पुराना झंडा है। नीदरलैंड में हवा से चलने वाली पवन चक्की का उपयोग पानी निकालने के लिए कई सैकड़ों सालों से हो रहा है, और यहाँ की 80% बिजली इन्हीं पवन चक्की से बनाई जाती है, और यहाँ सैकड़ों साल पुराने पवन चक्कियाँ है जो आज भी काम करते हैं। नीदरलैंड की सरकार साल 2025 में पेट्रोल और डीजल वाली कार को चलाने पर प्रतिबंध लगाने वाली है, क्योंकि वो अपनी सड़क पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। ऑरेंज कलर के गाजर सबसे पहले नीदरलैंड में ही उगाए गए थे और ऑरेंज कलर नीदरलैंड का नेशनल कलर भी है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और पेंडुलम घड़ी का आविष्कार 16वीं और 17वीं सदी में नीदरलैंड में ही हुआ था। नीदरलैंड की कंपनी फिलिप्स ने साल 1967 में ऑडियो टेप की, 1972 में वीडियो टेप की, 1982 में सीडी की और 1985 में सीडी रोम की खोज की थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको नीदरलैंड देश, कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।